एक पप्पी चाहिए। पप्पी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कॉमिक्स यूनिवर्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं नागराज की लव इंटरेस्ट पर। वैसे तो नागराज पे हर एक इंसान का दिल फिदा है, कुछ तो लड़कों का भी फिदा है, लेकिन हम लोग उन्हीं की बात करेंगे जिनसे नागराज भी प्यार करता है और कुछ के साथ तो नागराज की शादी भी हो गई है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, काम वाली। आपके घर के काम वाली नहीं, नागराज के घर की काम वाली, I mean उसका काम करने वाली सौडांगी। काम के वक्त उसे वो अपनी बॉडी से बाहर निकालता, काम होने के बाद बॉडी के अंदर। इससे ज्यादा नागराज को वो एक दोस्त की तरह ही देखता है, देखती है। सौडांगी के मन में नागराज के लिए प्यार तो है, पर उसने आज तक कभी ये उससे कहा नहीं, क्योंकि वो जानता है नागराज अपने धर्म के आड़े कुछ नहीं आने देगा, अपना प्यार तक नहीं। उसने अपना पूरा जीवन न्योछावर किया है पूरी दुनिया की रक्षा पर, और वो प्रेम की वजह से ऐसा करना छोड़ दे तो ये एक कलंक होगा, इसलिए उसने नागराज से कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, नागराज भी उसे जानता है कि उसके मन में क्या है नागराज के लिए। नागराज ही उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मांगता है, लेकिन इनके बीच में कुछ तो है। हर चीज की नींव एक दोस्ती होती है, हर रिश्ते की नींव एक दोस्ती ही होती है। और एक सीरीज आई थी द अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, जिसमें सौडांगी के ऊपर कुछ दिखाया गया था। वैसे तो मैंने ये सीरीज नहीं पढ़ी है, पर इसके कई पोस्टर देख के ऐसा लगता है कि नागराज और सौडांगी ने विवाह कर लिया है और उनका कोई बेटा भी है। नंबर 3, भारती कम्युनिकेशन चैनल्स की CEO है, जिसे नागराज ने ही उसका CEO बनाया था राजनगर की तबाही कॉमिक में। इनकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी खजाना कॉमिक्स में, जहां ये वेदाचार्य की पोती थी और भारती नागराज को पहले से ही पसंद करती थी। और नागार्ड में तो उसने भारती से शादी भी कर ली थी बस उसे चीफ बनाने के लिए, इससे ज्यादा उनके बीच में कुछ नहीं हुआ था। अपने दिमाग के घोड़ों को रोको, लेकिन नागराज के मन में भी भारती के लिए कुछ तो है। नंबर 2, नागरानी। जी हाँ, नागरानी, इसके साथ तो नागराज का एक बेटा भी है। हाय राम, इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी फुंकार कॉमिक्स में, जहाँ ये मिरर डायमेंशन या कहें दूसरे एक आयाम की नागराज है, जहाँ पे औरतों का ज्यादा परचम लहराता है, वही इन दोनों के आयाम को एक विलेन मिक्स कर देता है। जहाँ हम लोग के आयाम में हम लोग को जीने के लिए एयर चाहिए होती है, वही नागरानी के आयाम में उन लोगों को जीने के लिए एसिड चाहिए होता है। और जब ये दोनों आयाम मिल जाते हैं तो भवासांड हो जाता है। नागरानी की नागराज से लड़ाई भी होती है और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो नागराज को हरा ही देने वाली होती है। लेकिन एज यू नो, सुपर हीरो को कैसे हरा देगा? विलेन का फायदा नहीं होगा, और विलेन का फायदा नहीं होने देना, यही तो सुपर हीरो का काम है। लेकिन अपने आयाम को बचाने के लिए नागरानी नागराज को अपने संग ले चलती है, क्योंकि नागराज के विष थे उसके आयाम में छर यानी अम्ल, अरे ये जो भी कहते हैं एसिड को, उसकी मात्रा एकदम बैलेंस्ड रहेगी, उसके आयाम में रहने वाले लोग जिंदा रह पाएंगे। लेकिन नागराज के इस कंधों पर अपने आयाम की भी रक्षा होती, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। और तभी बुढ़े बापू वेदाचार्य आके बीच का रास्ता निकालते हैं। वेदाचार्य नागरानी को प्रेग्नेंट कर देते। अबे बुढ़े, कन्यादान की उम्र में कांटी बनने का शौक है क्या तुझे? समझो बात यार, फुंकार कॉमिक्स पढ़ लो, जाके पता चलेगा, खुल्लम खुल्ला मैं नहीं कह सकता हूँ। और फिर नागरानी को नागराज का एक बेटा भी होता है, जिसका नाम वो लोग रखते नागीश, जो कि हम लोग को नागायण कॉमिक्स में भी दिखाया गया था। नंबर 1, विसर्पी। दोस्तों ये है इतनी हॉट कि नागराज भी इससे बहुत प्यार करता है। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी शंकर शहनशाह कॉमिक्स में, जहाँ नागराज वापिस जाता है आइलैंड पर और उनको उसके भाई की मृत्यु की खबर सुनाता है। और इनकी एक कॉमिक आई थी विसर्पी की शादी, जिसमें स्वयंवर होता है, पंचनाग हार जाते हैं, नागराज जीत जाता, लेकिन तभी वो बुढ़े बीच में कूद पड़ते हैं और उन लोगों की शादी टूट जाती है। और यहीं से बनती है दो समय धारा, विश्व रक्षक नागराज की और आतंकहर्ता नागराज की, जो कि बहुत औसम है। विसर्पी से नागराज प्यार भी करता है, कई बार इनकी शादी होने वाली होती है, लेकिन कभी कभी काल दूध तोड़वा देते हैं। कभी कभी नागरानी वाला किस्सा आ गया था, जिससे उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी, लेकिन नागार्ड में फाइनली उनकी शादी हो गई थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ही औसम हुआ था। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, इससे ज्यादा तुम्हारी नियत ना खराब हो। तो अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।